अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ ब्रियोश ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि कॉटेज चीज़ फिलिंग के साथ होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि इस ब्रेड को बनाने के लिए, की डो बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 4 कप के जितना ऑल पर्पस फ्लार लिया है, और ये 180 ml के जितना वार्म मिल्क है। यहाँ पर मैंने 1/3 कप के जितना मेल्टेड बटर ले लिया है, और ये तकरीबन 1/2 कप से थोड़ा सा कम शुगर है, और 2 टीस्पून के जितना ये इंस्टेंट यीस्ट है। एक मैंने एग ले लिया है, और पिंच सॉल्ट हम लेंगे इस ब्रेड की डो को बनाने के लिए। तो चलिए आइए डो तैयार कर लेते हैं। डो मैं स्टैंड मिक्सर में तैयार करूँगी, आप इसे बहुत ही आसानी के साथ हाथ के साथ भी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए डो तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये बाउल में, इसमें स्टैंड मिक्सर में डाल देंगे एक अंडा, और शुगर डाल देंगे इसमें, ये मिल्क डाल देंगे, बटर डाल देंगे, ये यीस्ट डाल देंगे हम, और पिंच सॉल्ट, और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसको। इसमें डाल देते हैं, पहले थोड़ा कम डालेंगे, ये बिल्कुल तैयार है। बाउल में एक ले लिया, इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ कर देते हैं, थोड़ा सा इसको ग्रीस कर देते हैं ऑयल के साथ। अब इसमें हम ये अपनी डो रख देते हैं। इसको क्लिंग फिल्म लगा देते हैं। इसको लगा के हम किसी वार्म प्लेस पे इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद हम इससे अपनी ब्रेड तैयार करेंगे। तो चलिए आइए इसको रख देते हैं 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो देख लेते हैं कि कॉटेज चीज़ फिलिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे 1/2 कप की जितनी शुगर चाहिए होगी हमें, और 250 ग्राम यानी कि 1/2 कप के जितना, 1 कप के जितना हमें चाहिए होगा कॉटेज चीज़। प्लेन वाला कॉटेज चीज़ ले लीजिएगा, मैंने ये वाला कॉटेज चीज़ लिया है। और इसके अलावा 1 एग हमें चाहिए होगा, और 2 टेबलस्पून के जितनी सावर क्रीम हमें चाहिए होगी, 1 टीस्पून के जितना वनीला एसेंस, और 1 टेबलस्पून के जितना हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्न स्टार्च। तो चलिए आइए इनको तैयार करना शुरू करते हैं फिलिंग को। सबसे पहले मैं यहाँ पे शुगर डाल दूँगी, उसके बाद हम इसमें कॉटेज चीज़ डाल देते हैं 1 कप के जितनी, एक एग डाल देते हैं, वनीला एसेंस इसमें चला जाएगा, और ये कॉर्नफ्लावर चला जाएगा, इसके अलावा 2 टेबलस्पून के जितनी सावर क्रीम इसमें चली जाएगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। बहुत स्मूथ कर लेते हैं इसको मिक्स करके।
तो यहाँ पे मैंने फिलिंग की तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके रख ली है। को रेस्ट किए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो अब हम अपनी ब्रेड बनाना शुरू करेंगे। इसको उठा देते हैं, थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल कर देते हैं, ज़्यादा नहीं। बेल लीजिए आप इसे। तो चलिए इतना से इसको मैंने बना लिया। अब मैं इसके नीचे ये मैं बटर पेपर रख दूंगी यहाँ पे, और उसके ऊपर मैं ये डो को रख लूँगी। थोड़ा सा और बेल लेते हैं इसको। तो चलिए आइए, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको बेल लिया, और अभी मैं इसके ऊपर एक प्लेट रखूँगी। इस तरह से कोई सी भी प्लेट ले लीजिए आप, और इसको यूँ रख दीजिए। अब आपने इस प्लेट के अराउंड इसको कटिंग करना शुरू करनी है ऐसे करके। इस तरह से आप ये काट लीजिए तमाम सर्कल को। तो चलिए ये देख लीजिए, ये तकरीबन हो गया, इसको काट लिया हमने। तो अब हम इसका डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। एक ये आप बीच वाला स्ट्रिप उठाइए और इसको ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, और जो साइड के दो हैं ये इनको जोड़ दीजिए यूं करके। साइड वाला सेंटर वाला आप ट्विस्ट करेंगे, और थोड़ा और ये दोनों को पकड़ के ऐसे जोड़ देंगे आप। इसको आपने ट्विस्ट करना है, और थोड़ा अंदर कर दें इसको, और साइड के जो दो स्ट्रिप्स हैं इनको आपने जोड़ देना है। करते जाइए आप ये तमाम, इसी तरह से बना लीजिए आप। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया, लास्ट का पार्ट रह गया इसका एक। इसको हम साइड के जो दो स्ट्रिप्स हैं इनको हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से आपने बना लेना ये सारा। और अभी हम ये प्लेट उठा देंगे जी, बिल्कुल। तो अभी आपने हाथ से इसको थोड़ा दबा लेना है। सारी साइड्स आप इसकी इस तरह से कर लीजिए। लेंगे आप और इससे इसको इसकी जो सेंटर पार्ट है सारे को आप प्रिक कर देंगे। बहुत अच्छे से प्रिक कर लीजिए। चलिए इनफ है।
यहाँ पे मैंने ये एक एग योक ले ली है, उसमें मैं टीस्पून के जितना मिल्क ऐड करूँगी, मिक्स कर लूँगी और इसको मैं ब्रेड को एग वॉश कर लूँगी अच्छे से, ताकि बेकिंग के बाद इस पर अच्छा सा एक शाइन आ जाए। तो चलिए इसको एग वॉश कर लेते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे करेंगे, सेंटर के जो पार्ट है उसको नहीं करेंगे, इन सबको हम कर लेंगे अच्छे से। और ये करके हम इसे 15 से 20 मिनट अगेन छोड़ देंगे सेकंड प्रूफिंग के लिए। तो चलिए ये देख लीजिए, ब्रेड को हमने एग वॉश अच्छे से कर लिया। अब हम इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे कॉटेज चीज़ की, और इसके बाद इसको बेक कर लेंगे। तो ये जो हमने फिलिंग बनाई थी, इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। चलिए इतनी काफ़ी है। तो चलिए आइए, इसको मैंने प्लेट में, बेकिंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया। तो अभी ये मेरे पास थोड़े से रेजन्स हैं, सीडलेस ब्लैक रेजन्स हैं, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और फिर हम इसको अवन में डाल देंगे बेक होने के लिए। डेकोरेट कर दिया, अब हम इसको अवन में रखेंगे बेक होने के लिए 30 to 40 मिनट के करीब। तो जो ही हम देखेंगे कि ये ब्रेड अच्छी तरह से हो गई, इस पे अच्छा सा शाइन आ गया, तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर मैं आपको निकाल के बताती हूँ। तो चलिए आइए, मैंने अभी ब्रेड को अवन से निकाल लिया, ब्रेड बन के बिल्कुल तैयार है, तो बहुत अच्छी ये बेक हो गई है। तो चलिए मैं आइए आपको काट के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की लग रही है बेक होने के बाद। तो ये देखिए कितनी अच्छी ये बेक हो गई है, बिल्कुल अच्छे से इसकी क्रीम भी बहुत फाइन फिनिश आया है इस पे, और ये नीचे से भी बहुत अच्छी बेक हुई है। तो बनाइएगा ज़रूर, आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।